हाय गाइस, दिस इज चंदन एंड वेलकम टू चंदन क्लासेस द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में नंबर सीरीज का फर्स्ट सेशन। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको क्यूब्स एंड डाइस पढ़ाया था, होप करता हूं आपने अच्छे से उसे पढ़ा होगा। तो चलिए आज नंबर सीरीज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस, जैसे कि आज हम कर रहे हैं नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज है तो इसमें क्या है कि जो नंबर है, नंबर सीरीज को कहते हैं हम, जैसे कि जो आपकी संख्या है, जो आपकी संख्या है उसे कर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे आपका नंबर सीरीज। तो इसमें मेनली क्या है, हमें फोकस करना होता है किस पे, कि जो सीरीज में नंबर दिए हैं वैसे करके, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग सीरीज। जो आपके नंबर सीरीज में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है वो होता है इंक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग सीरीज ऐसे कि जैसे कि जो नंबर है वो बढ़ते हुए फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये है, वट एवर एक्सेट्रा, जैसे कि जैसे हमें ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये फॉर्म्स में लिखे हुए और ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ वन है, टू हो गए, नेक्स्ट थ्री और फोर, मतलब कि एक सीरीज में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग सीरीज। तो इसको हम सोल्व आउट कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, या तो हम करेंगे इसको एडिशन के थ्रू, या तो मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई एडिशन एंड मल्टीप्लाई माइनस, या फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या फिर हम लेंगे इसमें गैप। ये सारे जो हमारे पास ट्रिक्स हैं इसकी, इसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। तो क्या क्या ट्रिक्स हैं, अगर हमें जो ये इंक्रीजिंग सीरीज जो नंबर सीरीज के अंदर टॉपिक है इसको हमें करना है अगर सॉल्व क्वेश्चंस को, तो कैसे करेंगे, या तो हम एडिशन के थ्रू करेंगे, या तो हम मल्टीप्लाई के थ्रू करेंगे, या तो मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों के साथ कर सकते हैं, या फिर हम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं, या फिर तीनों के साथ यूज़ करके देखेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, या फिर हम इसमें गैप के थ्रू करेंगे, कि जैसे इसमें गैप आ रहे हैं और आगे चलेंगे तो इसमें हम स्क्वायर के थ्रू और क्यूब रूट के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो बच्चों आगे देखते हैं, चलिए 10, 14 एंड देन 18, ये हमारे पास एक एग्जांपल है नॉर्मल सा। इसको हम कैसे करेंगे, हमें नंबर सीरीज दी हुई है और देखिए कह रहा है, पहला जो नंबर है 2, देन 6, देन 10, देन 14, देन 18, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं आपको वो दे देता हूँ ऑप्शन की क्या क्या होंगे, ये आपके ऑप्शन दे दिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल सा एग्जांपल है, इसको हम कैसे देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें सीरीज में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 4 ऐड हो रहा है तो 6 बन रहा है। अब 6 में 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या हुआ, 10 हो गया, और 10 में आपका 4 ऐड करेंगे तो 14 हो गया, और 14 में ही 4 ऐड करा तो आपका बन गया 18। तो अब 18 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 22। तो आपका आंसर क्या आ गया, 22। तो आपका 22 जो है राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे नंबर सीरीज दी हुई है उसमें पहला नंबर है 5, देन 8, देन 11, देन 14, देन 17, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क ही क्या आएगा। आपको इसके आंसर्स दे देता हूँ, चलिए देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 5 और इससे बना है आपका 8, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि 5 में 3 का एडिशन कर देंगे, ठीक है। अब 8 से 11 में जाएंगे तो इसमें आपका 3 ऐड कर देंगे, आपका आ गया 11। अब 11 में आपका 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 14, और 14 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया आपका, 17। अब 17 के बाद बताना क्या आएगा, तो 17 में आप 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 20। तो आपका आंसर आ गया 20। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे
करते हैं, देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें नंबर सीरीज दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है, 3, 6, 18, 72 और 360। तो हम इसको कैसे करेंगे, या तो हम इसको एडिशन देखेंगे, या फिर मल्टीप्लाई देखेंगे, या फिर मल्टीप्लाई प्लस देखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस सब्ट्रैक्ट देखेंगे, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखेंगे, या फिर गैप देखेंगे। अब देखिए हम 3 से 6 पे तो जा रहे हैं, लेकिन 6 से 18 पे जा रहे हैं तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको करना इतना ईजी नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा हो गैप, उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ से उसको करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा हो। तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ से करो, आप लास्ट से भी आ सकते हो आगे, आप स्टार्टिंग से भी लास्ट जा सकते हो करने के लिए, और लास्ट से भी स्टार्टिंग में आ सकते हो। तो देखिए गैप इन दोनों के बीच ज़्यादा आ रहा है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी सीरीज को, ठीक है। चलिए अब देखो 72 से 360 बन रहा है, तो कैसे बन रहा होगा, तो फिर ऑब्वियस है एडिशन से तो बनना इतना पॉसिबल नहीं, तो हम मल्टीप्लाई से बन रहा हो तो करके देख लेते हैं, कुछ बन रहा हो तो 288, 360 बन रहा है, 5 जो देखते हैं। देखो बच्चों ये आ गया आपका इंटू 5। अब अगर 18 4 जा करेंगे ये तो 72 आ गया, और 16 3 जा करेंगे तो आपका 18 आ गया, और 3 2 जा करेंगे आप पे तो आपका क्या आ गया, 6। तो देखिए यहाँ पे सीरीज बन रही है ना, मतलब सीरीज जैसी बड़ी बने या छोटी बने, लेकिन एक फॉर्म में बननी चाहिए, जैसे कि जैसे एडिशन हो रहा था 1 1 1 का गैप हो, या 2 2 2 या 3 3 3 4 वट एवर एज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6। तो 360 को 6 से कर देंगे अगर, तो कितना आ गया आपका 2160। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 2160। देख लीजिए बच्चों हमारे पास क्या था, कि ये हमें सीरीज दी हुई थी, इसमें नंबर दिए हुए थे, तो मैंने आपको क्या बताया, हम वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे दो नंबरों के बीच में ज़्यादा गैप हो। तो हमने लास्ट से स्टार्ट करा आगे आने के लिए, तो हमने देखा कि एडिशन तो होएगा नहीं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसका नियर बाय फैक्टर देखा, और उसके थ्रू जब हम सीरीज में गए तो हमें पता चल गया कि इनमें 1 1 का गैप करके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने जो लास्ट था उसमें मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 2160। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज दी हुई है हमें, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो है 1, 4, 16, 64 एंड 256। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको सॉल्व करेंगे, इनमें जहाँ पे गैप कम आ रहा हो वहाँ से भी देख सकते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा हो वहाँ से देखेंगे, जहाँ से इसको करने में मुश्किल आ रही हो। तो 1 से 4 कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल ही बन रहा है इसका, तो हम लास्ट से देखते हैं 64 से 256, जो 64 से 256 है इनके बीच में गैप ज़्यादा आ गया, तो हम यहाँ से इसको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए 64 से 256 जाना है, तो एक बारी 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 64 को। देखो बच्चों ये तो हो गया क्वेश्चन, 64 4 जा 256 आ गया। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं, 16 4 जा 64, फिर देखते हैं 4 4 जा 16 एंड 1 4 जा 4। तो आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर सीरीज बन रही है इसमें बिल्कुल सीक्वेंस से मल्टीपल हो रहा है 4 का सीरीज से पूरा, देखिए मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 256 इंटू 4, तो क्या आएगा हमारे पास 1024। तो हमारा आंसर आ गया 1024, हमारा आंसर क्या आ गया 1024। आप इसको ऐसे करेंगे, इसमें आपको देखना है कि सीरीज कैसे फॉर्म में चल रही है, एडिशन से देखेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मल्टीप्लाई के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। तो हमने उसको मल्टीप्लाई करा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1024 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस क्वेश्चन है, नंबर सीरीज हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है 1, 6, 26, 81 एंड देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था या तो हम एडिशन के थ्रू देख लेंगे, या तो मल्टीप्लाई के थ्रू देख लेंगे, या तो मल्टीप्लाई प्लस के साथ देख लेंगे, मल्टीप्लाई माइनस के साथ देख लेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस के साथ देख लेंगे, या गैप देखेंगे। अब अगर इसमें गैप देखें तो एडिशन के थ्रू तो हो नहीं पाएगा, देखिए यहाँ पे गैप ज़्यादा आ गया इन दोनों में, और इसमें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पे आपको दो नंबर के बीच में गैप ज़्यादा लग रहा हो, तो 26 से 81 तक गैप ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इससे इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं कि 81 आ जाए 26 से, तो 26 3 जा करके देखते हैं,
78 प्लस 3। तो गाइस कैसे हुआ ये 26 इंटू 3 प्लस 3, तो क्या आ गया आपका 81 आ गया। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 इंटू 4 24 एंड देन एडिशन ऑफ 2, तो आपका 26 बन रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं 1 इंटू 5 प्लस 1, तो क्या आ गया आपका 6। तो यहाँ पे कैसे नंबर सीरीज चल रही है गाइस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 5 4 3, यहाँ पे आपकी घटती जा रही है सीरीज, लेकिन एक ही फॉर्म में, जैसे 1 ही सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, वो इस वाले में जो इससे एडिशन हो रहा है उसमें क्या है 1 2 3, और इन सब में 1 1 ऐड होता जा रहा है, तो ये नंबर सीरीज के रूप चल रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देख लीजिए 81 से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हुआ था आपका 81, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 3 हुआ था ना आपका, तो यहाँ पे तो घट रहा है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा आपका 162, और इसमें एडिशन जो है 1 1 ऐड होता जा रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे 4 का, तो क्या आ गया आपका आंसर 166, तो 166 ये रहा गाइस, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 166। देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई और प्लस दोनों की ट्रिक ली है, जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड ऑप्शन में ये वाला, कि इनके थ्रू ही तो करेंगे हम क्वेश्चन जो भी है नंबर सीरीज के क्वेश्चन के लिए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि हम एडिशन के थ्रू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के थ्रू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एडिशन के साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई माइनस के साथ भी कर सकते हैं, और तीनों भी एक साथ ले सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और गैप के थ्रू तो करेंगे ही, कि गैप तो देखना ही है कि क्या गैप आ रहा है। तो मैंने जो ट्रिक ली थी ये वाली थी थर्ड वन, कि मल्टीप्लाई और प्लस करके, यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं 1 1, और जो एडिशन है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं 1 1, और हमारा आंसर क्या आ गया 166। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो गाइस हमें नंबर सीरीज दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो क्या क्या दिया हुआ है 3 5 13 43, और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या आएगा। तो मैंने आपको कहा था या तो एडिशन से देख लीजिए या तो मल्टीप्लाई के थ्रू देख लीजिए, तो जैसे इसको अगर हम देखते हैं एडिशन के थ्रू और मल्टीप्लाई के थ्रू ये वाले ट्रिक से, तो देखिए कैसे होगा 3 से 5 कैसे बनेगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 5 बन गया, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा आपका 5 इंटू 2 प्लस 3 तो 13 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 13 इंटू 3 प्लस 4 से बन रहा है, 13 3 39 प्लस 4 43 बन गया गाइस आपका, 43 आ गया। तो पूछ रहा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो अब हम क्या करेंगे 43 इंटू, या 3 था 2 था 1 था, नंबर सीरीज चल रही है 1 1 के एडिशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे 43 4 जा, ठीक है, तो 43 4 जा करेंगे अगर 12 172 172, और यहाँ पे एडिशन कितना चल रहा है 2 3 4, तो ऐड कर देंगे इसमें 5, तो कितना आ गया हमारा 177, ये रहा गाइस। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 177 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 177 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे करते हैं गाइस इसको, इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन की ट्रिक लगी फिर से, देख लीजिए इसको ऐसे रिलोकेट करेंगे, अगर मैं एडिशन के थ्रू भी जाता तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 13 आ रहा था और वो थोड़ा गैप है इनमें, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से करके आपको दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास नंबर सीरीज दी हुई है क्वेश्चन में 1 3 8 19 42 80, और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कैसे आएगा। तो देखिए अगर इसमें एडिशन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो भी जाएगा, जैसे 2 और 5 का गैप करके, लेकिन यहाँ से नंबर सीरीज जो हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पूरी लय में नहीं चल रही बिल्कुल, एक कॉरेस्पोंडेंस उसमें नहीं चल रही, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे देखते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन के थ्रू जाके देखते हैं। तो 1 से 3 पे जाना है तो हम क्या करेंगे इंटू 2 प्लस 1, 3 आ गया, 3 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे अगर, 2 इधर 2 करेंगे अगर ऐड, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 आ गया, और आपका 8 इंटू 2 देखेंगे प्लस कर देंगे 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19 पॉसिबल है, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 इसमें ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना आया आपका 84, और ऐड कर देंगे 4 तो आपका 88 बन गया, 88 है गाइस, ये 80 नहीं है, 88 बन गया। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्या करेंगे इंटू 2 प्लस 5, क्योंकि ये सीरीज देखिए ना आप, मल्टीप्लाई तो 2 2 2 से हो रहा है सेम से, लेकिन इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है आपका एडिशन के 1 1 का गैप, 1 2
थ्री फोर, तो यहाँ पे फाइव करेंगे तो कैसे करेंगे, 88 टू जा 16, 176 प्लस कर देंगे 5, तो कितना हो गया आपका 181 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए गाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 181, देख लीजिए ट्रिक को, इसमें भी मल्टीप्लाई और एडिशन की ट्रिक लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नंबर सीरीज दी हुई है क्वेश्चन में 1, 3, 8, 19, 42, 80 और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कैसे आएगा तो देखिए। अगर इसमें एडिशन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो भी जाएगा, जैसे 2 और 5 का गैप करके, लेकिन यहाँ से नंबर सीरीज जो हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, पूरी लय में नहीं चल रही, बिल्कुल एक कॉरस्पॉन्डेंस उसमें नहीं चल रही, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई और एडिशन के थ्रू जाके देखते हैं। तो 1 से 3 पर जाना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 प्लस 1, 3 आ गया, 3 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे अगर, 2 इधर 2 करेंगे अगर ऐड, 3 2 6 प्लस 2 8 आ गया, और आपका 8 इंटू 2 देखेंगे प्लस कर देंगे 3, 8 2 16 प्लस 3 19 पॉसिबल है। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 इसमें ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना आया आपका 84, और ऐड कर देंगे 4 तो आपका 88 बन गया, 88 है गाइस, ये 80 नहीं है, 88 बन गया। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्या करेंगे, इंटू 2 प्लस 5, क्योंकि ये सीरीज देखिए ना आप, मल्टीप्लाई तो 2 2 2 से हो रहा है सेम से, लेकिन इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है आपका एडिशन के, 1 1 का गैप, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 करेंगे तो कैसे करेंगे, 88 टू जा 16, 176 प्लस कर देंगे 5, तो कितना हो गया आपका 181 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए गाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 181, देख लीजिए ट्रिक को, इसमें भी मल्टीप्लाई और एडिशन की ट्रिक लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें नंबर सीरीज दी हुई है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1, 10, 28, 91 और 370 दिया हुआ है, नंबर सीरीज दी हुई है हमें, तो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर के बीच में जहाँ पे ज़्यादा गैप हो रहा हो वहीं से हम अपने जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं यहीं पे ज़्यादा गैप आ रहा है 91 और 370 के बीच में, तो देखते हैं 91 से 370 बनेगा क्या। 91 5 जा 5, ये तो ज़्यादा हो गया, 91 4 जा 4 364, तो 91 को अगर 4 से हमने मल्टीप्लाई करा और 364 से 370 तो 6 ऐड कर दिया, तो आपका क्या आ गया गाइस, 370। तो इसी ट्रिक से आपका क्वेश्चन चलेगा, चलिए देखते हैं इससे रिलेट हो रहा है क्या। 28 3 जा 24 6 84 84 एंड देन एडिशन ऑफ 7 इक्वल्स टू 91, तो देख लीजिए यहाँ पे भी आ गया 28 3 जा प्लस 7, क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इधर हो रहा है 4, इधर एडिशन हो रहा है 7 और इधर हो रहा है 6, इधर मल्टीप्लाई में तो क्या आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका एडिशन में डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, 10 इंटू 2 प्लस आपका कितना हो गया 8, तो देखिए 10 2 जा 20 प्लस 8 28 बन गया, और ये 1 इंटू आपका कितना है यहाँ पे 4 3 2 1 प्लस 9, 1 इंटू 1 1 प्लस 9 10 बन गया आपका। तो अब हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखते हैं 370 कितना मल्टीप्लाई करा था, मल्टीप्लाई जो है आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 370 इंटू 5 5 0 0 35 15 1850, और एडिशन जो इसमें है वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें 5 क्या आप ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया 1855 दिया हुआ है ये रहा, तो आपका आंसर जो आ गया 1855 आ गया 1855, तो आपका आंसर आया 1855। ये क्वेश्चन ऐसे होगा गाइस, देख लीजिए हमने इसमें क्या करा, अगर हम एडिशन के थ्रू जाते ट्रिक से तो यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं रहा था, तो मैंने आपको बताया था जिन दो नंबरों के बीच में जो ज़्यादा गैप हो वहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं,
तो देखिए 91 से 370 में ज़्यादा गैप आ रहा था, तो मल्टीप्लाई के थ्रू ही होगा, तो उसको करके हमने जब करा कोरिलेट तो ये आपका 370 बन गया, तो उसको हमने चेक करा तो बन गया, तो आपका जो मल्टीप्लाई था वो तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था और जो आपका एडिशन है वो तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, करके आपका आंसर क्या आ गया 1855। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का सेशन? तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको नंबर सीरीज के सेकंड सेशन में। और हाँ गाइस, अगर किसी को डाइस पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने सेकंड सेशन में अपना डाइस की रीजनिंग कराई थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, जब तक के लिए बाय बाय।